इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है, कौन फर्स्ट मैच किसके बीच में होगा? सर पहला मैच हमारा वुमेंस टीम का स्टार्ट हो रहा है 12 बजे, एंड पहला मैच पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का ही है जितना मुझे पता है, अभी इन्फॉर्मेशन दी है टेक्निकल रेफरीज ने, एंड उसके बाद सारा एक्शन शुरू हो जाएगा। तो आज का ही शेड्यूल निकाला है और आज शाम को जाके कल का शेड्यूल निकलेगा। कितनी टीमें भाग ले रही है, कौन गेस्ट आज के? सर टीमें भाग ले रही हैं, वुमेंस टीम में 13 टीमें हैं जो भाग ले रही हैं, जिसमें एक टीम में 5 प्लेयर्स हैं, और मेंस टीम 18 टीमें आ रखी हैं आज, और टोटल 13 संस्थाएं आ रखी हैं टूर्नामेंट के लिए। गेस्ट कौन है? गेस्ट सर अभी इनॉग्रेशन हो गया है। चीफ गेस्ट आज हमारे मेयर साहब आए धर्मेंद्र गहलोत जी, उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया इवेंट। और सॉरी कितने दिन चलेगा ये इवेंट? चलेगा जी 7 दिन चलेगा। 30 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होएगा फॉर इंडिविजुअल इवेंट, और 26 तारीख को टीम चैंपियनशिप का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जसजीत सिंह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पेट्रोलियम। आज अजमेर में 49 इंटर इंस्टीट्यूशनल संस्थागत इनके टूर्नामेंट्स हैं, टेबल टेनिस का शुरू है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहां 18 संस्थाओं की जो टीमें आई है, निश्चित रूप से अजमेर में ये 9 साल बाद ये इस प्रकार का गेम यहां पे हो रहा है। 250 बच्चों ने यहां प्रतियोगिता के अंदर ये भाग लेने जा रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत मेयर होने के नाते शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो, और जो यहां पर से अपना कर्तव्य दिखाएंगे, यहां पर आपको देखा हो तो पद्मश्री अवार्डी शरद कमल जी भी यहां पर आए हैं, तो निश्चित रूप से एक से एक खिलाड़ी यहां पर उपस्थित हैं, ये जो अजमेर की धरा से यहां पर कोई संदेश लेके जाएंगे और विश्व में अपना नाम कमाएंगे, ऐसे मैं इनको शुभकामनाएं और ऑर्गेनाइजरों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।